पालक की सब्जी तो आप बहुत बार बनाए होंगे, आज हम बनाएंगे लहसुनी पालक। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। पहले कढ़ाई में 2 टीस्पून तेल ले लेंगे। अब डेली जो तेल यूज़ करते हैं खाने में वो ले सकते हैं। फिर तेल में थोड़ा सा जीरा और धनिया डालेंगे। इसके बाद चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे और उसे थोड़ा हल्का हल्का भूनेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और उसे भी भून लेंगे। प्याज और लहसुन को भूनते समय ध्यान रहे कि वो जले ना और अच्छे से भून जाए। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होता है हम उसमें ऐड करेंगे बारीक चॉप किया हुआ टमाटर और उसे भी हल्का हल्का भूनेंगे। अब हम डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर और उसे भी हल्का हल्का भूनेंगे। टमाटर का कलर हल्का हल्का चेंज हो रहा है और लगभग ये पक भी गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून करी पाउडर और 1 टीस्पून चिली पाउडर। आपको जितना तीखा खाना है आप उतना ही चिली पाउडर ऐड करें। अब हम मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। अगर मसाला जल रहा है तो हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा पानी ले लूँगी और उसे अच्छे से भूनूँगी। मसाला लगभग हो ही गया। अब हम उसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ पालक। ये पालक मैं पहले से धो के चॉप करके रख ली थी। 250 ग्राम के पालक है और उससे मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे क्योंकि पालक में बहुत पानी होता है तो सब्जी को कवर ना करें, खुले में ही इसे पकाएं। अभी हम पालक में थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहें तो इसमें एक हल्का सा छौंक लगा सकते हैं।